एक एक करके आप आओगे यार, थोड़ा सा स्पेस भी दे दो। स्पेस नहीं है जी सर। तला ये बोर्ड रेडी ना बन, बोर्ड रेडी ना बन, पीछे पीछे भी रोहित पगलने जी दौड़ दौड़ दो पीछे। हां जी यार ज्यादा भाई पकड़ना जी सर। देखिए ये जो धरना हमारे कश्मीर के पंडित भाइयों ने रखा हुआ है, इसमें हम लोग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ओर से हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, उनकी तरफ से मेरे साथ ये सरूरी साहब, सलमान निजामी साहब और यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, सब उस धरने में शामिल होने के लिए आए हैं। और आपने देखा होगा कि आजाद साहब जब पार्लियामेंट में थे तो यहाँ तक कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का सवाल था, गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े जोर शोर से इनकी हर डिमांड को वहाँ पार्लियामेंट में रेज किया। और आज भी जब ये धरना चल रहा है रिलोकेशन के लिए, तो इसमें भी जनाब आजाद साहब और उनके जितने साथी हम लोग हैं, जो हमारी पार्टी है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, हमारा पूरा पूरा समर्थन जो है हमारा कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पीछे सिलेक्टिव किलिंग हुई है, सिलेक्टिव किलिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो कश्मीरी पंडितों का हुआ। और इस चीज़ को सामने रखते हुए सबसे पहली डिमांड जो आजाद साहब ने उस समय करी थी, और आज हम फिर इसको दोहराना चाहते हैं, वी वांट टू रीट्रेट के कश्मीरी पंडितों का, जो हमारे जो हिंदू भाई वहाँ हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो यहाँ की सरकार है इस समय यूनियन टेरिटरी की सरकार है। और मैं अर्ज करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें लें और कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी का, हिंदू भाइयों की सिक्योरिटी का ध्यान रखें। जो ये धरना जो रिलोकेशन के लिए है,
हम कहते हैं कि ये फुली जस्टिफाइड है, दिस इज टोटली जस्टिफाइड। सरकार को इनकी हर बात को मानना चाहिए और हमारा पूरे का पूरा समर्थन इनके साथ है। हम भी पुरजोर इस धरने का स्वागत करते हुए उनका साथ देते हुए कहेंगे सरकार से कि वो रिलोकेशन का मसला को हल करें और जो रिलोकेशन की डिमांड है इनकी उसको पूरा करें, ताकि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ हैं या जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई जो हैं उनका सुरक्षा जो है वो रह सके और इनका नुकसान ना हो, ना जानी नुकसान हो ना दूसरा नुकसान हो। तो फिर एक बार मैं जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हैं मैं इनकी ओर से और खासकर हम पैगाम देने आए हैं जनाब आज़ाद साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का। जो आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, इस रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी तबकों का, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, कश्मीरी पंडित थे, गुजर थे, बकरवाल थे, उनका जो काम करने का तरीका जो था वो बिल्कुल सबके लिए समान था। उसी नज़रिए को सामने रखते हुए आज हमें दुख है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई, हमारे हिंदू भाई जो दुखी हैं, कितनी देर से यहाँ जो धरने पर हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। सरकार को चाहिए कि इनकी बात को सुने और जो इनकी डिमांड्स हैं उन पर पूरा पूरा वो उतरें और इनका साथ दें। यही हम डिमांड करने के लिए इस धरने में आए हैं और मैं अपने जितने भाई और बहन हम बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर इनसे कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं, आपकी डिमांड के साथ हैं और जो भी आपकी सरकार से डिमांड्स है हमारा पूरा पूरा समर्थन जो है वो आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब का आदेश था कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, और जिस प्रकार से सरकार ने उन पे लाठियां बरसाने का काम किया है उसकी हम पुरजोर मजम्मत पहले से करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साधी, इनकी सैलरियां तक बंद कर दी और वहां जो कश्मीरी पंडित भाई बहन मुलाजमीन हैं उनको सुरक्षा देने के बजाय उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, और यही सरकार जो है दावे करती है, फिल्में बनती हैं कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिला। 8 साल से कश्मीरी पंडित जो है, आप माइग्रेंट कॉलोनीज में जाइए, जो रिलीफ है, जो कंपनसेशन है, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे जो माइग्रेंट कॉलोनीज बनी, जो कंपनसेशन इनको मिला, जो नौकरियां मिली, 8 साल में किसी भी कश्मीरी पंडित को नौकरी नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला। और ये आज हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो है धरने पे है, ये शर्म की बात है। और पूरी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिनके चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और जब हमने पार्टी लॉन्च की थी आज़ाद साहब ने कहा था कि हम पहला सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये होगा कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, खासकर कश्मीर का, और हम चाहते हैं कि वो कश्मीर में वापस आएं और वहां पहले आप सिक्योरिटी इंश्योर करें तभी वो वापस जा सकते हैं। हम सब कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हैं और ये डिमांड करते हैं कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी सैलरियां जो बंद की गई हैं वो उनको मिलनी चाहिए और उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। सुरुई साहब बंद साथ में लगा, साथ में बैठ जा, बैठ जा। जी सर, जी सर, आज हम यहाँ जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, जो एम्प्लॉयमेंट हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो आज़ाद साहब के दौर में एक स्पेशल पैकेज के तहत इनको एम्प्लॉयमेंट कश्मीर में मिली थी, और उसके साथ साथ मुझे याद है कि जब
प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनॉग्रेशन किया था जगती का, उस वक्त ये भी तय हुआ था कि स्पेशल पैकेज दिया जाए कश्मीरी पंडितों के लिए, और उस स्पेशल पैकेज के तहत लगभग 3,000 मुलाजमीन जो है कश्मीरी पंडित उनको तैनात किया गया था कश्मीर में। आज देखने को यह है कि सिलेक्टेड किलिंग जो हो रही है कश्मीर में, हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित हमारे तमाम लोगों का एक अंग है, हमारे जिस्म का अंग है, और आज जो सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो पिछले चंद दिनों में और थ्रेटिंग मिली है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। मगर मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है, जैसे चिप साहब ने बताया, सलमान साहब ने बताया, हमारे बाकी साथी हांडा साहब, अनिल जी, बोरो साहब और सब साथी यहाँ पे मौजूद हैं, कारपेंटर्स मौजूद हैं, हम मजम्मत करते हैं इस सरकार की कि जिन्होंने इतना देर यहाँ पे ये हमारे साथी कश्मीरी पंडित धरने पे बैठे हैं और वो खामोश बैठे हुए हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। आजाद साहब का एक थोड़े दिनों पहले मुझे याद है, उन्होंने कहा था जब तक हालात न सुधर जाएं तब तक इनको जम्मू में एम्प्लॉयमेंट दी जाए, जम्मू में रखा जाए, जम्मू में इनको पोस्टें आपकी इतनी खाली हैं, आपके 9,000 डॉक्टरों की पोस्टें खाली हैं, आपकी 18,000 टीचरों की पोस्टें खाली हैं, आपके ये जो जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, टीचर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें जगह खाली है, वहाँ इनको उस पैटर्न पे जिसे पैटर्न पे वहाँ नौकरी करती हैं, उतना टाइम में इनको यहाँ पे तैनात किया जाए, इनकी सैलरी बहाल की जाए, ना यहाँ इनको बैठने की जगह है, ना इनको सहूलियात है, और कहते हैं खुशहाल जम्मू कश्मीर। कहाँ का खुशहाल जम्मू कश्मीर? हमारे ये जो होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हालात ठीक हो रहे हैं, हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर हालात अच्छे हो रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों ने जिसका गाना आप गा रहे हैं, इन्होंने कौन सा गुनाह किया? आज हमारी बहनें, आज हमारे भाई इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, हम शर्मसार हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इनकी हालत की तरफ से क्या बुराइयां तबाहियां हो रही है हमारे इस जम्मू कश्मीर में। हमारी इल्तिजा गवर्नर साहब से, हमारी इल्तिजा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, फौरी तौर पे इनको यहाँ रहने सहने की जगह दी जाए, फौरी तौर पे इनको यहाँ तैनात किया जाए, फॉर द टाइम बीइंग जब हालात साजगार होंगे, और उस वक्त बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज हम सब लोग इनको पूरी सपोर्ट करते हैं। आजाद साहब ने जो हमें हुक्म दिया, और उन्होंने भी अपनी स्पीच में चंद दिनों पहले कहा कि इनको यहाँ पे फिलहाल तैनात किया जाए, इनको तनख्वाहें पूरी दी जाए, इनको पूरे सहूलियात दिए जाए, जब तक न कश्मीर में हालात ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।